हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता छीपा फ्रॉम न्यू एरा कोचिंग। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जो है वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन की बात कर रहे थे, तो इसके पहले जो है हमने तीन पार्ट्स में इस चैप्टर को कवर किया था और आज ये इस चैप्टर का जो है वो लास्ट पार्ट है। और फिलहाल इसके पिछले वाले वीडियो में जो है हमने यूरिन फॉर्मेशन की बाकी दो स्टेप्स कौन कौन सी, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन को काफ़ी डिटेल में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो है वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इन चार टॉपिक्स के बारे में, दैट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, मिक्चुरेशन, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे जो किडनी के फंक्शंस रहते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं आपके हार्मोनल फीडबैक पे। इसके पहले भी जब हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा था फिजियोलॉजी के, बाकी के चैप्टर्स, डाइजेशन हुआ आपका, आपका ये कार्डियक साइकिल वाला चैप्टर हुआ, तो इस सब में हमने पढ़ा था कि कहीं ना कहीं या तो वो हार्मोनल इम्पैक्ट होता है हमारे सिस्टम्स के ऊपर या फिर एक CNS का कंट्रोल रहता है। तो यहाँ पर जो मिक्चुरी, जो आपके पूरे किडनी के फंक्शंस रहते हैं, इनका, इनके ऊपर जो है वो CNS का कंट्रोल तो होता है, पर जो फीडबैक काम करता है वो होता है आपका हार्मोनल फीडबैक। अब इसको मैं हार्मोनल फीडबैक क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना कि CNS तो आप लोगों का एक कमांड दे देता है कि CNS को भाई पता चलता है कि या तो यूरिनेशन प्रोसीड करवाना है या फिर यूरिनेशन नहीं करवाना है। तो CNS क्या करता है, एक कमांड दे देता है। अब उस कमांड के रिफ्लेक्स में जो है वो हमारी बॉडी में वेरियस हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। अब हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स लोकल मतलब किस तरीके से हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन है, ये हम CNS वाले चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बट मीनवाइल आप लोगों ने जो कि प्लांट्स में पढ़ा ही होगा कि हार्मोन्स क्या होते हैं, तो आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या होता है कि CNS के एक कमांड के बाद जो है हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के जो है वो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। अभी हार्मोन्स क्या करते हैं कि उनको जो भी उनका डिजायरेबल एक्शन है वो जाकर के उस काम को पूरा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अभी इसी किडनी वाले चैप्टर में ही जो है हम बात करेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन की, हम बात करेंगे एल्डोस्टेरोन की, हम बात करेंगे रेनिन की, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं कि इनका जो भी फंक्शन है ये जाकर के फंक्शन करते हैं, उसके बाद में फिर ये वापस जाकर के CNS को जो है वो रिपोर्ट भी करते हैं कि हमने अपना काम कर दिया है, अब आप जो है वो कमांड देना बंद कर दीजिए। तो इसी बात को जो है हम फीडबैक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप स्कूल में कोई होमवर्क, आपके आपके टीचर्स आप लोगों को कुछ ना कुछ होमवर्क असाइन करते होंगे, तो बदले में वो क्या आपसे फीडबैक मांगते हैं कि भाई हमने होमवर्क दिया, आप लोगों ने किया कि नहीं किया, ठीक है। तो उस चीज़ को वो फीडबैक के फॉर्म में आपसे लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो CNS है ये भी हमारी बॉडी में फीडबैक के थ्रू ही काम कर पाता है। तो अब जो किडनी के फंक्शंस हैं इसको हम तीन कैटेगरी में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपका हाइपोथैलेमस का कंट्रोल, दूसरा आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का कंट्रोल, इसी को जो है हम रास मैकेनिज्म भी बोलते हैं। रास मैकेनिज्म क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है, इसी को जो है हम रास मैकेनिज्म भी बोलते हैं। और तीसरा हम पढ़ेंगे वो है हार्ट। अब आप बोलोगे कि मैम हार्ट मतलब किडनी में कैसे हार्ट आ गया, तो बेसिकली आपका जो हार्ट रहता है ना, हार्ट आपका पंप का काम करता है। अब जब बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम चेंज हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, बॉडी का ब्लड वॉल्यूम चेंज हुआ, कम ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो आपके हार्ट पर जाता है। अब आप लोगों ने घर में कूलर की मोटर्स वगैरह तो देखी होंगी, जब आप कूलर में सफिशेंट पानी भर देते हो तो आपके कूलर का जो पंप रहता है वो काफ़ी इफेक्टिवली काम करता है, ठीक है। पर जब उसमें पानी कम रहता है तो आपका क्या कूलर का पंप काम कर पाता है, नहीं कर पाता है, ठीक है। तो सिमिलर कंडीशन हमारी बॉडी की है, जब हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड रहेगा तो हमारा हार्ट इफेक्टिवली वर्क करेगा, पर यदि वो फ्लूइड ज़्यादा हुआ तो भी हार्ट को दिक्कत आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी का जो वॉल्यूम है वो तो लिमिटेड है, वॉल्यूम बढ़ गया है तो हार्ट क्या करेगा, सिग्नल्स भेजेगा कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम को जो है आप हटा दीजिए, मुझे काम करने में दिक्कत हो रही है। इसी तरीके से जब बॉडी का वॉल्यूम कम होगा, सिमिलरली हार्ट तब भी एक्शंस देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ट का भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। तो
ये जो हार्मोनल फीडबैक वाली लाइन उठाई है ये भी मैंने एनसीईआरटी से उठाई है, ठीक है। ये छोटी छोटी लाइंस जो है ये आप लोग अक्सर ना मिस कर जाते हो, और आपके एग्जामिनर को पता है कि आप ऐसी लाइंस मिस करोगे तो वो आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन उठाएंगे कि द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज अंडर विच फीडबैक, हार्मोनल फीडबैक, न्यूरल फीडबैक। तो आपको क्या लगेगा भाई, हमेशा तो CNS हमेशा सुपीरियर होता है, तो CNS न्यूरल फीडबैक लगा दो, पर नहीं, आंसर क्या है, हार्मोनल फीडबैक। तो मैं आप लोगों को ये करके सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि NCERT के आपको ऐसे शब्द जो है वो पकड़ के रखने हैं, और इनको अच्छे से आप हाईलाइट करके रखो, इनको अपने दिमाग में बैठा के रखो। ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से। अपना होता क्या है कि हमारी बॉडी में होते हैं बहुत सारे टाइप्स के रिसेप्टर्स। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये टच के रिसेप्टर्स होते हैं, पेन के रिसेप्टर्स होते हैं, टंग में जो है वो टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं, नोज़ में जो है वो आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। उसी तरीके से आपकी बॉडी में एक और टाइप के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनको आप बोलते हो ऑस्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। इन रिसेप्टर्स को आप क्या बोलते हो, आप ऑस्मो रिसेप्टर्स बोलते हो। अब ये रिसेप्टर्स को जो है आप कब एक्टिवेट कर सकते हो, ये एक्टिवेट होते हैं आपके तीन कंडीशन में। कौन कौन सी तीन कंडीशन, या तो आपका बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम चेंज हो, या आपका ब्लड वॉल्यूम चेंज हो, या फिर आपकी बॉडी में किसी तरीके का आयोनिक चेंज हो, ठीक है। समझ आया, आप क्या कोरिलेट कर पा रहे हो कि ये तीनों चीज़ें जो है वो एक सी हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है आपकी बॉडी में कब एक्टिव होते हैं, जब आपकी बॉडी का या तो बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम चेंज हो जाए, या ब्लड वॉल्यूम चेंज हो जाए, या फिर आपकी बॉडी का आयोनिक बैलेंस चेंज हो जाए, ठीक है। हम लोगों ने जब इसके पहले नेफ्रॉन पढ़ा था, नेफ्रॉन में किस तरीके से हम यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो जब हमने ट्यूबुलर सिक्रीशन वाला पार्ट पढ़ा था तो याद करो हमने हर टाइम एक लाइन पढ़ी थी, टू मेंटेन द pH एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, है ना, ये लाइन हमने हमेशा पढ़ी थी। तो आपकी बॉडी का भी एक आयंस का एक ना बैलेंस बना रहता है कि सोडियम जो है वो इतनी अमाउंट में होना चाहिए, पोटेशियम इतनी अमाउंट में होना चाहिए, और इससे कम या ज्यादा होता है तो आपकी बॉडी में जो है वो दिक्कतें आ सकती है। तो वही जो है वो आयोनिक बैलेंस चेंज होता है तो तुरंत ऑस्मो रिसेप्टर्स को जाकर के रिपोर्ट किया जाता है। तो ये वाला भी आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो काफ़ी एक्सपेक्टेडली पूछा जा सकता है कि व्हाट चेंजेस लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर्स। तो ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस से। ऑल राइट, अब क्या होता है ना बेसिकली, यदि बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम चेंज हो या फिर बॉडी का ब्लड वॉल्यूम चेंज हो, बेसिकली ये दोनों में जब डिक्रीज हो जाए, किस किस की मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम की एंड बॉडी के ब्लड वॉल्यूम की, इन दोनों में जब एक डिक्रीज देखने को मिले, कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको चोट लग गई है, आपकी बॉडी से कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपके बॉडी का ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, हेमरेज जिसको आप बोलते हो। आपको डायरिया हो गया, डायरिया में क्या होता है कि आपकी बॉडी में से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर का लॉस हो जाता है, तो वो क्या कंडीशन होती है, बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया। तो ये दोनों ही कंडीशंस जो है ना वो जा करके हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देती हैं, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, ऑस्मो रिसेप्टर्स को जाकर के बोला कि कुछ गड़बड़ है, ऑस्मो रिसेप्टर ने जाकर के हाइपोथैलेमस को बोल दिया कि भाई देयर इज सम इश्यू, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस जाएगा, बोलेगा किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। इसी को जो है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, आपकी एनसीईआरटी में न्यूरो हाइपोफाइसिस वर्ड यूज किया है, बट इट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ने जाकर के बोला पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, आपका एक हार्मोन सिक्रेट किया जिसका नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर वैसोप्रेसिन। अब एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ये जो हार्मोन है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिंथेसाइज नहीं होता है, ये बनता आपका हाइपोथैलेमस में ही है, और एग्जॉन के थ्रू जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर के स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो बाकी ये वाला कॉन्सेप्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे CNS वाले चैप्टर में, ठीक है। तो टिल देन आप ये इतना पोर्शन याद रखो।
अब क्या हुआ, इस हार्मोन का रिलीज हो गया। अब जैसे कि नीम, एज द नेम सजेस्ट, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब डायूरेसिस का क्या मतलब होता है? डायूरेसिस का मतलब होता है टू रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, बॉडी में से पानी को निकालना, उस टर्म को जो है हम डायूरेसिस बोलते हैं। हम एंटी डायूरेटिक का क्या मतलब है कि डायूरेसिस को प्रिवेंट करने वाला, ठीक है। तो ये इसका क्या एक्शन होगा, इसका पक्का ऐसा कुछ एक्शन होगा कि जिसकी वजह से बॉडी में से डायूरेसिस होनी कम हो जाए। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये जा कर के आपके रीनल ट्यूब्यूल्स पे काम करता है, और आपकी एनसीईआरटी में टर्म यूज़ की है टू द लेटर पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये जा कर के आपके लेटर पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स पे काम करता है और वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है, ठीक है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर के वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है। अब जब पानी में से वाटर जब बॉडी में से वाटर नहीं निकलेगा तो उसका क्या मतलब होगा, उसका ये मतलब होगा कि इनहिबिशन ऑफ डायूरेसिस, ठीक है, डिक्रीज डायूरेसिस। तो इसने क्या किया, इसने लेटर पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल से पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वाटर लॉस प्रिवेंट हुआ, डायूरेसिस कम हो गई। तो एक टाइम के बाद जाकर के क्या होगा कि आपकी बॉडी का जो है वो फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कंडीशन अराइज हो गई, नॉर्मल। अब जैसे ही ये नॉर्मल हुआ, तो मैंने क्या बोला था, हार्मोनल फीडबैक पे चीज़ें काम करती है। अब जैसे ही ये नॉर्मल हुआ, वापस से कौन रिपोर्ट करेगा, ऑस्मोरिसेप्टर, कि भाई अब जो है बॉडी का फ्लूइड लेवल एकदम नॉर्मल हो चुका है। तो अब जा करके हाइपोथैलेमस को जो है वो इनहिबिट कर दिया जाएगा कि रुको रुको, अब तुमको और ज़्यादा सिग्नल सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो नॉर्मल कंडीशन पे आ चुका है। तो इसी कंडीशन को जो है हम फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं, किसका, हार्मोन्स का। ये था आपका हार्मोन और हार्मोन का एक फीडबैक मैकेनिज्म। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक और पार्ट इसमें दिया हुआ है वैसोप्रेसिन के आस्पेक्ट में, ठीक है, कि अब वैसोप्रेसिन का एक और काम रहता है, जैसा कि एज द नेम सजेस्ट, मतलब जो भी चीज़ें हमारी अनाटमी हुई, फिजियोलॉजी हुई, उनके नाम से ही जो है आप उनका फंक्शन जो है वो डिराइव कर सकते हो। अब वैसोप्रेसिन, वैसो मतलब वेसल्स, प्रेसिन मतलब कुछ प्रेस करना, कंप्रेस करना। तो एज द नेम सजेस्ट, ये क्या करेगा, ये जा करके आपकी जो रीनल ब्लड वेसल्स हैं उनको कंप्रेस करेगा। तो इट लीड्स टू what? It leads to contraction of renal blood vessel. कौन करेगा ये काम, करेगा आपका वैसोप्रेसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन आपका एक अलग से ये भी काम करेगा। अब क्या हो गया कि आप लोगों को यदि वो वाला डायग्राम याद हो, ये क्या है आपका, ये है आपका बोमेंस कैप्सूल, और ये क्या है, ये आपका टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा था। अब क्या हुआ कि हमने ब्लड इसी ब्लड वेसल को जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया तो क्या होगा, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब आप लोगों को जब ध्यान होगा, मैंने आप लोगों को जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाली प्रोसीजर बताई थी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इफ़ेक्टिव फिल्ट्रेशन रेट जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो तीन प्रेशर्स पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका था, सबसे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव ग्लोमेरुलर प्रेशर था। अब जब हमने ग्लोमेरुलस के प्रेशर को बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा, अब फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इंक्रीज इन रीनल ब्लड फ्लो, विच लीड्स टू इंक्रीज इन GFR, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि किस तरीके से वैसोप्रेसिन ने काम किया। अब कई बच्चे इस पॉइंट पे जाकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम GFR बढ़ गया तो फिर तो क्या होगा कि यूरिनेशन बढ़ जाएगा। पर ज़रूरी नहीं है कि GFR बढ़ा तो अब उसको पूरा का पूरा बॉडी बाहर भी फेंकेगी, बॉडी नहीं फेंकेगी। बेसिकली ये हमारी बॉडी का ना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जब हमारी बॉडी में क्या होता है कि मतलब शॉक की कंडीशन आ जाए, हमारी बॉडी का ब्लड कम हो जाए या बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो इफेक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं ना,
इनको ब्लड पहुंचना कम हो जाता है और इनको यदि ब्लड सफिशियंटली नहीं पहुंचेगा तो इन ऑर्गन्स की जो है डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट इज द रीजन कि हमारी रीनल ब्लड वेसल्स के लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ताकि हमारी रीनल ब्लड वेसल्स जो है वो मर ना पाए। ऑलराइट, तो इसकी वजह से आप लोगों का यूरिनेशन नहीं बढ़ेगा, इसकी वजह से जो है एक ही सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के लिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हाइपोथैलेमस कैसे काम करता है। बहुत सिंपल है, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, काम किया, ADH और वैसोप्रेसिन रिलीज किया। एज अ नेम सजेस्ट, ADH जो है वो वाटर के रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा देगा और उसकी वजह से डायूरेसिस कम हुआ, बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मल पे आ गया। उसने एक नेगेटिव फीडबैक दे दिया कि अब तुमको काम करने की जरूरत नहीं है। दूसरा काम वैसोप्रेसिन का क्या होता है, ये होता है कि वो रीनल ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, GFR बढ़ेगा। बट अगेन ये आपकी बॉडी के लिए पूरा का पूरा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इसमें मैंने कहीं नहीं बोला कि आपकी बॉडी में से फ्लूइड का लॉस जो है वो बढ़ रहा होगा। ऑलराइट, तो ये हो गई बात हाइपोथैलेमस की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस की। अब आप लोगों को जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस आई होप याद होगा, मैंने आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करके बताया था, ठीक है, कि ये किस किस के बीच में बनता है, याद करके बताओ। बिल्कुल सही, ठीक है। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को एनाटॉमी समझा चुका है। अब बेसिकली होता क्या है, ये एक्टिव किन किन कंडीशन में होता है, तो तीन कंडीशंस लिखी हुई हैं बॉडी की। या तो आपका डिक्रीज ब्लड फ्लो, सेकेंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर, तीसरा डिक्रीज GFR। ठीक है, ये तीन कंडीशन आपके बुक में लिखी हुई हैं। पहली क्या है, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस या फिर डिक्रीज ब्लड फ्लो टू रीनल वेसल्स। ठीक है, आपकी जब किडनी में ब्लड पहुंचना कम हो जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन डिक्रीज ब्लड प्रेशर, आपकी जो किडनीज हैं उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाए। तीसरा GFR कम हो जाए। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस जो हैं ये मिल करके जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस को एक्टिव कर देती है। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस ऑफ कोर्स पहले जाकर के ऑस्मोरिसेप्टर को पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कुछ दिक्कत आई है, वो जाकर के क्या करेगा, वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस को एक्टिव कर देगा। अब JGA ने एक हार्मोन रिलीज करा था, सॉरी इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। कौन सा हार्मोन, ये स्पेलिंग सही लिखी है मैंने रेनिन की, दो रेनिन होते हैं ना बॉडी में, किडनी में कौन सा रेनिन आएगा, ये वाला या ये वाला, किडनी में ये सिंगल एन वाला रेनिन आएगा। तो फिर मैम दूसरा रेनिन कौन सा है, GIT वाला, स्टमक वाला रेनिन, याद आया कुछ, जो इन्फेंट्स के गट में होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो गलती से भी ये रेनिन और ये रेनिन को जो है वो एक मत समझ लेना। ठीक है, तो किडनी में कौन सा वाला रेनिन होता है, ये वाला रेनिन। अब इस रेनिन का फंक्शन बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा होगा, ये वाला एक्शन आपने पहले भी पढ़ा होगा कि रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजेन टू एंजियोटेंसिन 1 एंड फर्दर टू एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजेन टू एंजियोटेंसिन 1 और यहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम करके, सॉरी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर होता है, वो जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब मेन रोल जो है वो है आपके एंजियोटेंसिन 2 का। एंजियोटेंसिन 2 के दो काम हैं, ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 के दो काम हैं। पहला काम इसका यह है कि इट इज अ पावरफुल
वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, इट इज़ अ पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। तो अब आप लोगों को कुछ कुछ वेसोप्रेसिन जैसा कोरिलेट हुआ। वेसोप्रेसिन भी क्या कर रहा था, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था। एंजियोटेंसिन 2 भी क्या कर रहा है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है। इट इज़ अ पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आप लोगों का ब्लड फ्लो बढ़ेगा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, इंक्रीज इन GFR, इंक्रीज इन GFR। ठीक है, अब हमारा अल्टीमेट एम क्या था, हमने तीन चीज़ें लिखी थी वहाँ पे, क्या क्या, कि जब आपका GFR कम हो जाए, जब आपके रीनल ब्लड वेसल्स में सफिशिएंट ब्लड ना पहुँचे, या फिर जब आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए। तो हमारा मोटो सेटिस्फाई हो गया, GFR कम था, हमने GFR बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, एंजियोटेंसिन 2 का एक फंक्शन है। दूसरा एंजियोटेंसिन 2 एक और काम करता है, वो है एक हार्मोन को सिक्रीट कराता है, इसका नाम है एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन रिलीज कहाँ से होता है, याद करो जब मैंने आप लोगों को किडनी पढ़ाई थी, तो मैंने किडनी के ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, मैंने उसका नाम बताया था आपको, एड्रिनल ग्लैंड। तो एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है जो सिक्रीट होता है आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, कहाँ से सिक्रीट होता है, आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, सिक्रीट एड्रेनल कॉर्टेक्स से होता है। अब एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, एल्डोस्टेरोन आपका बहुत ही कमाल का हार्मोन होता है। ये क्या करता है कि सोडियम एंड वाटर को रिटेन करवा लेता है बॉडी में। ठीक है, जो यूरिन पास हो रही होती है आपके रीनल ट्यूब्यूल्स में से, तो उसमें से सोडियम और वाटर को रिटेन करवा लेता है। तो रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल एंड ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स, उस वाले में क्या था, उस वाले में था आपका फ्रॉम द लेटर पार्ट्स ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स, ये है फ्रॉम द डिस्टल एंड ऑफ योर रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो अगेन बॉडी में सोडियम बढ़ गया, वाटर बढ़ गया, तो बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लोगों का पूरा रास मैकेनिज्म होता है। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, तो इन तीनों के नाम पर जो है इसका नाम दिया गया है। अब तीसरी चीज मैंने लिखी थी वहां पे हार्ट, हार्ट कैसे इफेक्टिव होता है हमारे बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करने में। तीसरा फैक्टर क्या है आपका, हार्ट। अब बेसिकली होता क्या है ना, कि जैसे ही हार्ट की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है, हार्ट की तरफ जो है वो जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो, तो हार्ट क्या करता है, हार्ट एक फैक्टर रिलीज करता है, उसका नाम है ANF, एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर। जैसे कि नेम सजेस्ट, अगेन एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर, एट्रियल मतलब ये कहाँ से रिलीज होता है, ये आपके हार्ट के एट्रियम में से रिलीज होता है। ठीक है, नेट्रियोरेटिक इसका क्या मतलब है, कि आपकी बॉडी में से यूरेसिस को, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर एंड यूरिन को जो है वो स्टिमुलेट करेगा। तो जैसा कि इसका नाम है तो ये वैसा ही काम करता है, आपकी बॉडी में से जो है वो यूरिन के रिलीज को जो है वो स्टिमुलेट करवा देता है। तो इस तरीके से जो हार्ट है हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से खत्म होता है कि किडनी का रेगुलेशन कैसे होता है। नेक्स्ट जब हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आप लोगों का मिक्चुरेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं मिक्चुरेशन से। ठीक है, तो व्हाट इज मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन इज बेसिकली अ रिफ्लेक्स। ठीक है, मिक्चुरेशन क्या है, मिक्चुरेशन एक आपका मिक्चुरेशन आपका एक वॉलेंटरी रिफ्लेक्स है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में से यूरिन के रिमूवल को स्टिमुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इट इज वॉलेंटरी रिफ्लेक्स विच लीड्स टू एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। ठीक है,
अब बेसिकली जब मैंने आप लोगों को अनाटमी पढ़ाई थी किडनी की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरा नेफ्रॉन में से जो है वो फ्लूइड फिल्टर होता है आपका, जो फिल्ट्रेट रहता है, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में से जो है वो पिरामिड में जाता है, पिरामिड से कैलिक्स में जाता है, कैलिक्स से जो है वो रीनल वेस्टिब्यूल वाले एरिया में जाता है, उसके बाद यूरेटर से कलेक्ट होकर आकर के कहाँ स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो हम इसको जो है पूरे रिफ्लेक्स को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ऑफ कोर्स यूरिन से ही करेंगे। यूरिन कहाँ पहुँचता है आपका, यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर में पहुँच गया। अब यूरिनरी ब्लैडर एक क्या है, एक बैग लाइक ऑर्गन है, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि यूरिन आकर के भरता जाता है, भरता जाता है। अब एक टाइम के बाद क्या होता है कि जब यूरिन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, इतना जितना कि इसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि फिर एक रिफ्लेक्स जाता है, ठीक है। तो अब ये पहुंचा यूरिनरी ब्लैडर में, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लैडर मसल्स, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम ब्लैडर की कौन सी मसल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे ब्लैडर की स्मूथ मसल्स की बात कर रहे हैं जिसका नाम है डेट्रूसर, ठीक है, उसका नाम क्या है, डेट्रूसर मसल है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर जाकर के क्या करता है, ब्लैडर की मसल्स की स्ट्रेचिंग करा देता है। ऑफ कोर्स जब आप कैपेसिटी से ज़्यादा किसी में आप कुछ चीज़ भरोगे तो उसकी जो वॉल्स हैं वो स्ट्रेच होंगी, तो उसी तरीके से इसकी जो डेट्रूसर मसल है, ये स्मूथ मसल है, इसकी स्ट्रेचिंग होने लग जाती है। अब इसकी स्ट्रेचिंग की वजह से क्या होता है, इसकी स्ट्रेचिंग की वजह से आपका एक रिफ्लेक्स जाता है टू CNS, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, सिग्नल्स आर सेंड टू ब्रेन, ब्रेन तक जो है वो सिग्नल भेजे जाते हैं कि भाई यहाँ पे जो है वो एक्सेसिव फिलिंग हो गई है, अब कुछ आप रिफ्लेक्स सेंड करो। तो ब्रेन क्या करता है आपका, ब्रेन बड़ा शातिर होता है, ब्रेन रिलीज करता है आपके वॉलेंट्री सिग्नल्स, ब्रेन जो है वो सिग्नल्स रिलीज करता है, ठीक है। अब वो सिग्नल्स की वजह से क्या होता है, अब मैं आप लोगों को ब्लैडर का एक डायग्राम ड्रॉ करके बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका ब्लैडर है, ठीक है, ब्लैडर है, तो यहाँ पे जो है ये डेट्रूसर मसल होती है इसकी वॉल्स में, और यहाँ पे जो है एक स्फिंक्टर होता है। ऐसे तो ब्लैडर में दो स्फिंक्टर होते हैं, एक इनर स्फिंक्टर एक आउटर स्फिंक्टर, बट फॉर योर ईज हम यहाँ पे एक ही स्फिंक्टर लेके चल रहे हैं, ठीक है। स्फिंक्टर आप लोगों को पता है एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है, हमने ईसोफेजियल स्फिंक्टर के बारे में पढ़ा था, हमने एपिग्लॉटिस के बारे में भी पढ़ा था, ये सारे स्फिंक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है आपकी डेट्रूसर है, और ये क्या है आपका, ये है आपका स्फिंक्टर। अब ब्रेन जो है वो वॉलेंट्री सिग्नल्स रिलीज करता है जिसकी वजह से क्या होता है, डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्ट करती है और स्फिंक्टर रिलैक्स करता है, ठीक है। डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, ब्लैडर का वॉल्यूम कम होगा, और साइमल्टेनियसली स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स करता है, तो ये पैसेज जो है ये ओपन हो जाता है, तो उसकी वजह से आपका यूरिन का जो है वो आउटफ्लो हो जाता है। ऑलराइट, तो वॉलेंट्री सिग्नल्स लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूसर and relaxation of what? Sphincter. तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आप लोगों का यूरिनेशन हो जाता है। इस पूरे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क वगैरह ये आप लोग पढ़ोगे क्या होते हैं, और रिफ्लेक्स बेसिकली होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके आँख के आगे कुछ किसी ने कुछ एक पेंसिल लेकर के आया, ठीक है, तो तुरंत रिफ्लेक्स में क्या होता है, यू ब्लिंक योर आईज, आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो। ये आपकी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस चलते हैं, फॉर एग्जांपल टच रिफ्लेक्स, पेन रिफ्लेक्स। आप लोगों का हाथ किसी ने कैंडल के आगे रख दिया, ठीक है, तो थोड़े टाइम तक तो आप उस टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हो, पर जब वो टेम्परेचर ओवरहीट करने लग जाता है तो आप अपना हाथ क्या पीछे कर लेते हो। तो
तो ये क्या है, ये आप लोगों का टेम्परेचर रिफ्लेक्स है, ये आपका पेन रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपका मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होता है कि एक टाइम तक आपके ब्लैडर में जब फ्लूइड भरता है, सॉरी यूरिन भरता है, तो ब्लैडर इज ओके, बट जब वो उसका अमाउंट एक्सेसिव हो जाता है तो आपका ब्लैडर क्या, एक ब्रेन को सिग्नल भेजता है, तो ब्रेन क्या करता है, एक रिफ्लेक्स भेजता है कि अब तुम इस तरीके से जो है वो यूरिन को रिलीज करवा सकते हो। तो इसको जो है हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। पूरा मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, बट मैंने इसको क्या एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि चीज़ें यहाँ से पकड़ना काफ़ी आसान होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अदर ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में। तो यहाँ पे जो है हम चार ऑर्गन्स को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लंग्स की। ओके, लंग्स जो है वो दो चीज़ों को एक्सक्रीट करते हैं, पहला है आपका CO2 और दूसरा है आपका वाटर। CO2 का एक रेट दिया हुआ है, कितना होता है 200 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है। मतलब हम एक मिनट में जितनी बार सांस लेते हैं उतना 200 मिलीलीटर ऑफ CO2 को हम एक्सहेल कर देते हैं, साथ में वाटर एक हमेशा एक अमाउंट रहता है। इसको आपको खाली याद करके जाना है, और ये भी आपको याद करना है, ठीक है। दूसरा लिवर। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इट इज़ द मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे से तो बहुत सारी चीज़ें एक्सक्रीट आउट होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो बाइल पिगमेंट्स की। बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, अब तक तो आ जाना चाहिए यार, बाइलीरूबिन और एंड बाइलीविरिडिन, ठीक है, बाइल पिगमेंट्स। दूसरे नंबर पे आता है आपका कोलेस्ट्रॉल। तीसरे नंबर पे आता है आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स। चौथे नंबर पे आता है आपके विटामिंस। पांचवें नंबर पे आते हैं आपके ड्रग्स। ये पांच चीज़ें जो है हमारा लिवर रिमूव करता है, और इनका किसके थ्रू रिमूव करता है, ये हमारे फीसेस के थ्रू रिमूव करता है, ठीक है, फीसेस के थ्रू रिमूव करवाता है। क्या क्या चीज़ें, बाइलीरूबिन, बाइलीविरिडिन, जो आपके बाइल पिगमेंट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल तो बहुत कॉमनली आप समझ सकते हो, याद करो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का जितना भी फैट वाला पोर्शन रहता है इंटेस्टीन से, वो डायरेक्ट लिवर में आकर के ड्रेन होता है। तो जिस पोर्शन की बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, उस पोर्शन को बॉडी तुरंत ही एक्सक्रीट आउट कर देती है लिवर के बाद ही, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के हार्मोन्स होते हैं, अगेन हॉर्मोन्स के नेचर भी होते हैं, कुछ हॉर्मोन्स प्रोटीनेशियस होते हैं, कुछ हॉर्मोन्स स्टेरॉइड होते हैं। तो स्टेरॉइड हॉर्मोन जो है वो लिवर में आकर के डिग्रेड होते हैं, ठीक है, तो उनका रिमूवल यहाँ से होता है। विटामिंस, विटामिंस भी दो कैटेगरी के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड लिपिड सोल्यूबल, तो विटामिंस का डिग्रेडेशन भी यहाँ पे होता है। एंड ड्रग्स, आपका जो लिवर रहता है वो मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म रहता है, लिवर में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, तो आपके जो ड्रग्स रहते हैं वो जाकर के सीधा लिवर में काम कर पाते हैं। मतलब बेसिकली उनकी जो मेटाबॉलिज्म की साइकिल होती है वो लिवर में होती है, तो वहीं से जो है ड्रग्स का यूज्ड पोर्शन हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है, और जो वेस्टेज रहता है वो यहाँ के फीसेस के थ्रू रिमूव हो जाता है। लंग्स हो गए, लिवर हो गए। थर्ड हम बात करते हैं स्वेट ग्लैंड की। स्वेट ग्लैंड के थ्रू हम क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं, हम एक्सक्रीट करते हैं NaCl, हम एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, हम एक्सक्रीट करते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है, NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड, स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द यूरिया। इसलिए आपके NCERT में वो एक लाइन दी हुई है कि वी रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, तो इसलिए वो लाइन दी हुई है। नेक्स्ट है आप लोगों के स्वेट के बाद में आते हैं आपके सेबेशियस ग्लैंड्स। तो ये क्या क्या रिलीज करते हैं, ये सॉरी रिलीज नहीं सॉरी एक्सक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स, ये एक्सक्रीट करते हैं आपके वैक्सेस, और तीसरे नंबर पे स्टेरॉल्स। स्वेट
स्वेट का तो आपको फंक्शन पता ही होगा, स्वेट का मेन फंक्शन जो है वो आपकी जो बॉडी सरफेस एरिया रहता है उसको कूल करना होता है। इसके अलावा एक और फंक्शन जो है वो यहाँ से देख सकते हो कि एक्सक्रीशन रहता है। दूसरा सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड का फंक्शन रहता है कि आपकी स्किन को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, सीबम सिक्रीट करते हैं ये। इसके अलावा एक्सक्रीट क्या क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन एक्सक्रीट करते हैं, वैक्सेस और स्टेरॉल्स, ठीक है। तो ये आपके अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गए, तो ये भी आप लोगों को याद करना है। मतलब नॉर्मल पार्ट है, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, बस जो जो मैंने ऐसे पॉइंट वाइज लिखे थे वैसे ही पॉइंट वाइज लिख के आप याद कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीनल फेलियर, इसी को जो है हम किडनी फेलियर भी बोलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारा किडनी का मेन फंक्शन अब क्या है, अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा किडनी का मेन फंक्शन है हमारे ब्लड को प्योरीफाई करना, ठीक है। होता क्या है कि जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे सेल्स जनरेट करते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, जितने भी आपके नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थिंग्स होती है जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती हैं, तो हमारी किडनी बेसिकली क्या करती है कि पूरा का पूरा ब्लड उसमें से फ्लो होता है और जितने भी नॉन यूज या फिर टॉक्सिक चीज़ें हमारी किडनी को समझ आती है उसको वो फिल्टर आउट करके एक्सक्रीट करवा देती है यूरिन के थ्रू। तो हमारी किडनी का मेन फंक्शन क्या है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करना। अब जब हमारी किडनी फेल हो जाएगी, ठीक है, तो हमारी किडनी फेल होने के बाद में फिर ब्लड को प्योरीफाई ऑफ कोर्स नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक आर्टिफिशियल किडनी लगानी पड़ती है, ठीक है। तो इसके दो तरीके के सोल्यूशन हो सकते हैं, आर्टिफिशियल किडनी या फिर हम डायरेक्ट रीनल ट्रांसप्लांट करवा दें। आर्टिफिशियल किडनी को बेसिकली हम हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं, ऑलराइट। तो इसके दो सोल्यूशंस क्या क्या हैं, या तो हम हीमोडायलिसिस करें या फिर हम रीनल ट्रांसप्लांट करा दें। हीमोडायलिसिस को ही हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या रहता है बेसिकली कि जब हमारी बॉडी में से चीज़ें फिल्टर आउट नहीं हो पाएंगी, ठीक है, तो हमारी बॉडी में इन चीज़ों का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो हमारी हम जो मैमल्स होते हैं, हम ह्यूमंस होते हैं, हम बेसिकली वो यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, और जब यूरिया हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेमिया। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूरेमिया बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि यूरेमिया हो गया तो हमारी बॉडी में डिसऑर्डर्स होंगे। अब जिन चीज़ों को कचरा है, जैसे आपके घर में से आप कचरा फेंक देते हो बाहर पे, तो उसका पर्पस क्या है, ताकि आपका घर साफ सुथरा रहे, ठीक है। अब यदि वो कचरा आपके घर में इकट्ठा होता जाए तो वो चीज़ खराब है, आपके घर का सराउंडिंग खराब होगा। उसी तरीके से हमारी बॉडी जो है वो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करना चाहती है, पर यूरिया जब कलेक्ट होता जाएगा हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी को वो इफेक्ट कर सकती है। तो अब क्या है कि हमको ज़रूरत है कि हम उस यूरिया को जो है वो बाहर निकालें। तो बेसिकली आर्टिफिशियल किडनी या फिर हीमोडायलिसिस एक तरीका है। उसमें हम क्या करते हैं कि हम बॉडी की कोई भी एक ग्रेटर आर्टरी पकड़ते हैं। आर्टरी का क्या फंक्शन रहता है, ब्लड को पंप करना, ठीक है। तो बेसिकली ब्लड को जो है हार्ट से आपकी सर्कुलेशन की तरफ ले करके जाना। तो हम कोई भी एक ग्रेटर आर्टरी पकड़ते हैं, वहाँ से जो है हम उधर से ब्लड बाहर निकालते हैं और एक डायलाइसिंग यूनिट होती है, ठीक है। क्या होती है, एक डायलाइसिंग यूनिट होती है। उस यूनिट में क्या देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल एक ये डायलाइसिंग यूनिट है, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसमें क्या रहते हैं, इसमें पोर्स रहते हैं, ठीक है। ये बना किसका रहता है, ये सेलोफेन का बना रहता है। अब इसके थ्रू जो है हम ब्लड को पास कराते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका ब्लड है। अब ब्लड तो आपका नॉर्मल है, यूरिया नाइट्रोजन वे सारे के सारे आपके ब्लड में भरे हुए हैं। अब बाहर पे हम फिल कर देते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। बाहर
बाहर पे हमने क्या भर दिया, दोनों तरफ पे डायलिसिस का फ्लूइड भर दिया। अब डायलिसिस के फ्लूइड की जो कॉम्पोजिशन रहती है, इट इज एग्जैक्टली सेम एज अवर प्लाज्मा, ठीक है, इट इज एग्जैक्टली सेम एज अवर प्लाज्मा, एक्सेप्ट कि इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते। ऑलराइट, तो आपके पास यदि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठा करके पूछे दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डायलिसिस फ्लूइड, तो आपको सब आंसर वो करके आना है जो प्लाज्मा में होता है। तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्लाज्मा में आपका वाटर होता है, प्लाज्मा में आपके प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा में आपके ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सब के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन प्लाज्मा के बिल्कुल एग्जैक्टली होता है, बस इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं, और इस ब्लड में तो बहुत सारे नाइट्रोजन्स वेस्ट होते हैं। तो अब इन पोर्स के थ्रू क्या होता है, इन पोर्स के थ्रू वो नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में से निकल के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ की जाती है, प्री रिक्वेस्ट क्या रहता है इस प्रोसीजर का, कि इसमें ब्लड पोर करने से पहले ब्लड में जो है आप हेपारिन ऐड कर देते हो, ब्लड इस यूनिट में डालने से पहले आप हेपारिन ऐड कर देते हो। अब हेपारिन क्या होता है, हेपारिन आपका एंटी कोएगुलेंट होता है। ऐसा आप क्यों करते हो, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जब ब्लड घूम रहा होता है ब्लड वेसल्स में, तो उसको पता है उसका हीमोस्टेसिस है, वो कोएगुलेट नहीं करेगा। पर जैसे ही आप ब्लड की एक ड्रॉप इन्वायरमेंट में छोड़ दो, वो तुरंत जम जाती है। तो आप यदि ब्लड को यहाँ पे बाहर छोड़ोगे तो ब्लड जम जाएगा, तो उसी ब्लड के कोएगुलेशन को रोकने के लिए हम उसमें एंटी कोएगुलेंट हेपारिन डालते हैं। अब यहाँ पे पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन हो गया, अब हम क्या करेंगे कि एक वेन के थ्रू पूरा ब्लड जो है वो वापस से बॉडी में ड्रेन करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे किसके थ्रू आया था, यहाँ पे एक आर्टरी के थ्रू आया था, और फिर एक वेन के थ्रू वापस बॉडी में चला जाएगा। अब ब्लड इसमें बाहर निकले, तो बाहर निकलते साथ ही हम इसमें एक चीज़ ऐड करते हैं, और वो है आपकी एंटी हेपारिन। जैसे ही ब्लड बाहर आता है हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, एंटी हेपारिन। क्यों, क्योंकि यदि उसमें हेपारिन रहा तो ब्लड बॉडी के अंदर जाकर के भी कोएगुलेट नहीं करेगा, और यदि बॉडी को फॉर एग्जांपल कुछ इंजरी हो गई तो तब भी कोएगुलेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम जो है वो एंटी हेपारिन को ऐड कर देते हैं, और फिर वेन के थ्रू वापस से बॉडी में पहुँचा देते हैं। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम हीमोडायलिसिस या फिर आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। अब एक तो ये तरीका हो गया, पर ऑफकोर्स दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। किडनी खराब है तो हम क्या कर सकते हैं, हम किडनी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो दूसरा क्या है ऑप्शन, रीनल ट्रांसप्लांट। अब रीनल ट्रांसप्लांट भी ऑफकोर्स इट इज नॉट एट ऑल अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो जो है आपको डोनर ढूंढना पड़ेगा, किसी मतलब आपकी किडनी और जो आपको डोनेट कर रहा है किडनी, उन दोनों किडनीज में सिमिलैरिटी होना चाहिए, वरना आपको पता ही है कि हमारी बॉडी में क्या एक रिजेक्शन मैकेनिज्म चलता है, ऑटो इम्यूनिटी जिसको आप बोलते हो, है ना। तो हमारी बॉडी को क्या लगेगा कि यार ये तो फॉरेन है, दिस इज समथिंग फॉरेन यूनिट, तो हमारी बॉडी उसके साथ में काम नहीं करेगी और उसको डिस्कार्ड कर देगी, है ना। तो लगाने का भी कोई सेंस नहीं रहेगा। तो आपको जो किडनी आप लगाओगे, ट्रांसप्लांट करोगे, वो या तो ऐसा आप डोनर ढूंढो जो उसका क्लोज रिलेटिव हो, जिनके कि एंटीजन्स मैच करे, जिनके ब्लड ग्रुप मैच करे। तो तमाम चीज़ें जो है आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के पहले देखनी होती है। तो आप क्या कर सकते हो, एक ये सोल्यूशन है कि आप किडनी कर दो, यदि वो सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन हो गया तो अब उस इंसान के पास बहुत बहुत अच्छी तरीके से वो पूरी की पूरी किडनी फंक्शन करेगी, और उसको जो है वो इस तरीके की कॉम्प्लिकेशन वापस नहीं आएगी। तो ये फर्स्ट डिसीज होता है आपका रीनल फेलियर। सेकेंड है आपका रीनल कैलकुलाई। तो इसमें कुछ भी मेजर नहीं है, बेसिकली होता क्या है कि आपके आपने पूरा किडनी का पूरा एक आपने अनाटमी पढ़ा, आपने देखा कि आप पूरा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं ट्यूब्यूल्स ही ट्यूब्यूल्स है, पूरी जगह आपने जैसे रीनल ट्यूब्यूल देखा, उसके पहले आपने जो यूरेटर वगैरह हुए, ये पूरे ट्यूब्यूल्स हैं। तो होता क्या है, आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि स्टोन हो गए किसी को, है ना। तो किडनी रीनल स्टोन्स वही होते हैं कि आपकी बॉडी में क्या होता है, किडनी फंक्शन करती है फिल्ट्रेट करने का, पर हो सकता है कि यार आपकी बॉडी में किसी चीज़ के अमाउंट ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सलेट ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होंगे कि वो फिल्ट्रेट तो हो जाएंगे, पर वो जाकर के किसी जगह पे लॉज हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और फिर वो उसको ब्लॉक कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि उसकी वजह से उस किडनी का फंक्शन जो है वो उसकी इफेक्टिविटी कम हो जाएगी। तो रीनल कैलकुलाई वही होता है, आपने कई बार सुना होगा कि स्टोन्स हो गए किडनी में, तो ये वही डिसऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जो आइटिस टर्म जो है, इट ऑलवेज सजेस्ट व्हाट, इट ऑलवेज सजेस्ट इन्फ्लेमेशन, ठीक है।
जो आइटिस टर्म है ना, ये हमेशा इन्फ्लेमेशन को सजेस्ट करता है. तो ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस मतलब ग्लोमेरुलस जो होता है आपका टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ब्लड वेसल्स, उसमें जब इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है तो उस कंडीशन को हम ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस बोलते हैं. अब उसके कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं और बस उससे ये होगा कि उसकी वजह से आपके सबसे पहले आपके GFR पे फ़र्क पड़ेगा. GFR आपका उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से आपके यूरिन फॉर्मेशन में दिक्कत आ सकती है, प्लस आपके ब्लड प्योरिफिकेशन में भी दिक्कत आ सकती है. ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके डिसऑर्डर्स ख़त्म होते हैं. आपकी किडनी के बारे में दो से तीन पॉइंट्स, सॉरी किडनी नहीं, यूरिन के बारे में दो से तीन पॉइंट्स रह गए थे आपके यूरिन के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके ऊपर. तो यूरिन का आपको अमाउंट तो पता ही है, एक दिन में कितना अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीट करता है एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन, तो दैट इज़ 1 to 1.5 लीटर्स पर डे. यदि आपसे कोई पूछे कि उसका कलर क्या होता है तो आपको बोलना है लाइट येलो स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है. ठीक है, अब उसका पीएच कितना रहता है, उसका पीएच होता है आपके यूरिन का 6. ठीक है, तो 6 का क्या मतलब है कि इट इज़ स्लाइटली एसिडिक. बाकी यूरिन की ऑडियोर जो रहती है वो काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक ऑडियोर रहती है. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मतलब यूरिन में से यूरिन का थ्रू हम क्या एक्सक्रीट करना चाह रहे हैं. बेसिकली हम यूरिन के थ्रू यूरिया को एक्सक्रीट करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन से हम कितना यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, 25 to 30 ग्राम्स, है ना. 1 to 1.5 लीटर्स यूरिन हम एक दिन में एक्सक्रीट कर देते हैं और इसके थ्रू हम 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया जो है वो पर डे एक्सक्रीट आउट करते हैं. अब दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे. बेसिकली आपकी बॉडी में जो है आपके यूरिन में, बेसिकली यूरिन में आप लोगों के नॉर्मली ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज नहीं देखने को मिलती है. ठीक है, तो यदि वो देखने को मिल रही हैं तो इट इज़ सजेस्टिव ऑफ एक क्लिनिकल कंडीशन जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटिस. तो डायबिटीज भी आपके बेसिकली आपके लेवल पे आप ये जान सकते हो कि दो टाइप की होती है, डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटीज इंसिपिडस टाइप 1 टाइप 2. ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटिस के लिए एक ऐसा एक टेस्ट होता है जिसमें बेसिकली हम यूरिन में जो है वो ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज देखने की कोशिश करते हैं. तो यदि आपकी बॉडी यदि आपकी यूरिन में ग्लूकोज देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लूकोसूरिया. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो यूरिन में प्रेजेंट है. और यदि कीटोन बॉडीज देखने को मिल रही हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कीटोनूरिया. ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो डायरेक्टली आपके डायबिटीज मेलाइटिस को इंडिकेट करती हैं. तो दोस्तों इस तरीके से फिनिश होता है आपका ये वाला चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन. आप लोगों को जो भी डाउट्स हो आप वो मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं. और बाकी आप लोगों को खूब सारी पढ़ाई करनी है, आप लोगों का नीट यूजी जो है काफ़ी पास आ रहा है. तो टिल देन खूब सारी पढ़ाई करो. थैंक यू.